बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पे पढ़ाई कर में। और मैं सूरज राज आज की वीडियो देखने वाले हैं, जो भी छात्र बीए सेकंड सेमेस्टर में है, सेकंड सेमेस्टर है, याद रखिए। पार्ट वन तो है आपका, पार्ट वन है लेकिन आपका सेकंड सेमेस्टर है। अब जब सेकंड सेमेस्टर की जब बात की जाती है तो वहाँ हम बात करने वाले हैं जियोग्राफी के पेपर के बारे में। जी हाँ, अभी हाल ही में बलिया यूनिवर्सिटी का पेपर होने वाला है, शायद कल, या फिर आप यूपी के किसी भी यूनिवर्सिटी से हैं, आप बिहार से हैं, एमपी से हैं, उत्तराखंड यूके से हैं, तो आप इन चार स्टेट से हैं, तो आपको एक बार याद रखना है कि जो जो क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ, इन क्वेश्चन आपके लिए अपने बुक नोट्स गैस पेपर में टिक लगा लूँ और यही पढ़ लूँ। लेकिन बलिया यूनिवर्सिटी का कल पेपर है, ध्यान से देख लेना छात्र, कल जो भी बलिया यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं, क्योंकि उनको बहुत ज़रूरी हो जाता है, यही क्वेश्चन पढ़ के जाना है। और इन क्वेश्चनों को आपने बहुत अच्छी तरीके से भी याद कर लिया होगा, ठीक है। तो ह्यूमन जियोग्राफी की बात करेंगे, तो जो ह्यूमन जो मानव जियोग्राफी है, मानव भूगोल है जिसे बोलते हैं हिंदी में, तो इसके बात करेंगे ह्यूमन जियोग्राफी के बारे में, ठीक है। तो इससे क्वेश्चन कौन कौन से बनने वाले हैं। पहला क्वेश्चन है, मानव भूगोल क्या होता है, मतलब कि मानव भूगोल होता क्या है, उसकी परिभाषा आपको पता होनी चाहिए, उसकी संकल्पना कॉन्सेप्ट को आपको याद करना है, ठीक है। कॉन्सेप्ट को याद कर लेना और उसको क्या है उसकी परिभाषा याद कर लेना। ये क्वेश्चन लॉन्ग में आएगा, आप लॉन्ग और शॉर्ट की चिंता मत किया करो, क्योंकि आपके बुक नोट्स के पेपर में यदि ये लॉन्ग में है तो लॉन्ग में दरोगा, यदि शॉर्ट में है तो शॉर्ट में। यदि आपके पास ये नोट्स आपके पास आप नोट्स हमारे डाउनलोड करना चाहते हैं, शॉर्ट ट्रैक वाला नोट्स डाउनलोड करना चाहते हैं, तो मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, नोट्स होगा, जाके नोट्स को डाउनलोड कर लेना, बहुत सिंपल नोट्स है, ठीक है। अब उसके बाद में दूसरा क्वेश्चन आपको करना है, और नोट्स पेपर है का डॉट इन वेबसाइट पर मिल जाएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। यहाँ बोला गया है, मानव एक भौगोलिक कारक है, कथन की समीक्षा कीजिए। मानव है वो एक क्या है, भौगोलिक कारक है, इसके बारे में आपको क्या बताना है, स्पष्ट करना है, एक कथन के द्वारा स्पष्ट करना होता है, ठीक है। वहीं पूछा गया है, मानव भूगोल का विकास क्रम, मतलब कि मानव का जो भूगोल का जो विकास हुआ है वो किस 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 के द्वारा हुआ है, क्रम बताओ। तो क्रम को आप इसके अंदर ही आप याद कर लोगे, जब भूगोल की परिभाषा याद करोगे तो। वहीं मानव और पर्यावरण में अंतर क्या होता है और संबंध क्या होता है, जब अंतर आपको पता होगा तो संबंध भी आपको वहीं अचानक याद हो जाएगा, क्योंकि वो चीज़ एक दूसरे के विपरीत होते हैं, ठीक है। आप सब इसको जानते हैं, इसको कोई कह सकते हैं बदलाव करने की ज़रूरत नहीं है, कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं है, कुछ समझने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम लोग कुछ अलग करने वाले हैं, एक बेहतरीन मोड पर आने वाले हैं, ठीक है। और ये क्वेश्चन आपको रट के जाना है, क्योंकि आपको एग्ज़ाम कल के एग्ज़ाम में 85% प्लस लेके आना है, 2022 के टॉपर बनना है, जो भी छात्र का कल पेपर होने वाला है या फिर आगे होने वाला है, ठीक है। मैं आपको प्रोवाइड कराता हूँ डेली क्वेश्चन, आप ध्यान से वीडियो को देखा करें। यह है वातावरणीय निश्चयवाद की अवधारणा, इसको छोड़ दीजिएगा, संभाववाद क्या होता है उसकी अवधारणा, उसकी आलोचनात्मक व्याख्या, इस क्वेश्चन को याद कर लेना, ठीक है। संभाववाद क्या होता है, एक होता है नव निप्तिवाद, ठीक है, जिसे हम कह सकते हैं नव निश्चयवाद भी बोल सकते हैं, नवनिप्ति को, इसकी संकल्पना को आपको याद कर लेना है, इसको रट के जाना है, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। और कोई भी क्वेश्चन छोड़ के नहीं आना है, कोई भी क्वेश्चन आपसे छूट रहा है तो उसको बना बना के करके आना है, लेकिन छोड़ के नहीं आना है, ठीक है। यहाँ बोला गया, विश्व में जनसंख्या के आसान वितरण पर प्रकाश डालिए, मतलब कि यहाँ बोला गया है, ध्यान से देखेंगे, यहाँ बोला गया है कि विश्व की जनसंख्या है उसके आसान वितरण पर प्रकाश, मतलब विश्व में जो जनसंख्या फैल रही है बहुत ज़्यादा, वो किसके आधार पर फैल रही है, ठीक है, उसके आसमान क्यों है, उसके वितरण पर प्रकाश डालना। जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं, तो जनसंख्या को वितरण को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक है वो आपको बताना है। विश्व में जनसंख्या वृद्धि पर एक निबंध लिखना है, जनसंख्या वृद्धि क्यों हो रही है विश्व में और इनकी विशेषताएं, साथ ही साथ आपसे पूछेगा जनसंख्या वृद्धि जो हो रही है उसके रोकथाम के लिए हमें कौन से कदम उठाना चाहिए। तो जनसंख्या स्थानांतरण एवं मानव प्रवास का अर्थ क्या होता है, उनके प्रकार के बारे में एक्सप्लेन करिए, ठीक है। ये क्वेश्चन आपको देखना है, विश्व में जनसंख्या वृद्धि के प्रमुख चरण बताना है कि विश्व में जनसंख्या वृद्धि के कौन कौन से चरण हैं, विश्व में जनसंख्या वृद्धि के कौन कौन से चरण हैं, ठीक है। चरण भी आपको बताना, जनसंख्या वृद्धि के कौन कौन से चरण हैं, मतलब कि पूरे विश्व में जनसंख्या क्यों बढ़ रही है उसके चरण बताओ, कौन कौन से चरण में बढ़ रही है, तो वो आप जानते ही हैं यार। एक बात बताओ, एक बार ये क्वेश्चन पढ़ने के, यहाँ से आप पढ़ोगे ना, यहाँ से विश्व की जनसंख्या, ये क्वेश्चन एक ही बार में याद हो जाएगा पूरा क्वेश्चन, क्योंकि एक ही क्वेश्चन को याद करोगे, पूरा क्वेश्चन बना बना के लिख दोगे, ज़्यादा कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं, मैंने अलग अलग क्वेश्चन को मेंशन कर रखा है। विश्व की प्रमुख स्थानांतरण के बारे में आपको याद कर लेना है, ठीक है। और यह है मानव अधिवास किसे कहते हैं, मानव अधिवास किसे कहते हैं, ठीक है, ये आपको याद करना है। और उसके बाद में आता है मानव की प्राथमिक अर्थव्यवस्था के बारे में पढ़ के जाएंगे, मानव की प्राथमिक अर्थव्यवस्था के बारे में, ठीक है। एक होता है संयुक्त ग्राम, एक होता है संयुक्त नगर,
उनके बारे में बताना है। संयुक्त ग्राम संयुक्त नगर किसे कहते हैं। उसके बाद में मत्स्य उत्पादन क्षेत्र, मतलब मछलियों के उत्पादन क्षेत्र कौन कौन से हैं वो आपको बताना है। शिकार अर्थव्यवस्था, शिकार अर्थव्यवस्था क्या होती है वो आपको बताना है। जीवन निर्वाह पशुपालन, जीवन निर्वाह पशुपालन, जीवन निर्वाह कृषि क्या होता है, इनके बारे में आपको एक्सप्लेन करना है, ठीक है। उसके बाद में हम नीचे जाएंगे। ये बोला गया है देखो, खिरगिज की बात करें, इसकी विशेषता क्या होती है इसको पढ़ लेना, ठीक है। और बुशमैन क्या होता है, उसको निवास क्षेत्र कहाँ होता है बुशमैन का, ये आप ये देखेंगे। और यहाँ देखो है पिगमी, पिगमी की जीवन शैली पर आपको विकास डालना है, उसके निवास के बारे में बताना है। नागा क्या होते हैं, नागा बाबा आपने सुना होगा, नागा के सामाजिक जीवन के बारे में और उनके क्या करना है निवास क्षेत्र के बारे में, ठीक है। और ये आपको देखो मिल रहा है, एक आता है गौड़ जनजाति, गौड़ जनजाति आपने सुनी होगी। एक होती है गद्दी के निवास क्षेत्र, ये छोड़ दो, ये होता है भील जनजाति, भील जनजाति को देख लेना, ठीक है। ये क्वेश्चन आपको देखने हैं, एग्जाम में पढ़ के जाने हैं, इन क्वेश्चन को रट के जाना है, क्योंकि आपको कुछ नया करना है, ठीक है। और मानव यहाँ बोला गया है मानव प्रजाति की बटला से विज्ञान, मतलब मानव की जातियाँ कितने प्रकार की होती है, उन जातियों के बारे में आपको याद कर लेना। बस ये क्वेश्चन आप एक बार पढ़ लेना, इन क्वेश्चन टिक लगा लो, पढ़ के जाना और आराम से, आराम से शांतिपूर्वक बना बना के लिख देना, ठीक है। बना बना के लिख देना 90%, मतलब कि 2022 के आप टॉपर बनने वाले हो। 2022 के टॉपर बनने के लिए थोड़ा संघर्ष ज़रूरी होता है, तो वही संघर्ष आपको ऊपर करना है, ठीक है, ऊपर वाले काउंसिल में करना है और टॉपर की लिस्ट में टॉप 10 में आना है। ये सबसे बड़ी गुड न्यूज़ है आपके लिए। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू, बाय बाय, लव यू।